हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है बुधवार और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैंने नहा तो लिया है लेकिन अभी तक ना ही कूड़ा वाला आया है ना ही दूध वाला आया है। और सावन अब लास्ट होने को चला है, यानी कि 3 सोमवार निकल गया। और आज मैंने ये हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है और जो बाकी काम बचे हुए हैं, किचन के भी सारे काम पड़े हुए हैं। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया है और जल्दी से नहाया, तो इतना सवेरे सब कुछ हो गया है, यानी कि खाना पीना बन गया है। 9:30 बजा है, बाकी ये काम अभी बचे हुए हैं। तो चलिए ब्लॉग के दौरान बात करते हैं और मिलते हैं हम आपसे ब्लॉग के दौरान। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आ गई हूँ किचन, और मेरे किचन का आप हालत देख ही रहे हैं कितनी हालत ख़राब हो रखी है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले जो अभी वो खाना खा कर गए हैं, थोड़ा चावल थोड़ी सब्जी बची है, इसको मैं निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि वो 12-1 बजे के आसपास फिर से आएंगे। 2-3 घंटे में मैं इसको यूज कर लूँगी, ज़्यादा देर का यूज नहीं करना है अभी जिस तरह की स्थिति चल रही है। और सबसे पहले मैं किचन की इसी तरह स्थिति छोड़कर अपने लिए नाश्ता तैयार करूंगी, और वो है ये फूला हुआ मूंग। इसको आप तड़का कहिए या छोला कहिए, जो भी कहिए, इसको मैं बनाऊंगी। सिर्फ मैंने इसमें हींग, नमक, हल्दी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है स्वाद के लिए, और 1 गिलास पानी। और इसको फ्लेम पर एक टाइम फिक्स करके, और इधर जो सब्जी है उसको भी मैं खाली कर लूँगी। और जब तक हमारा ये छोला तैयार होगा तब तक मैं पूरे किचन को आप देखिएगा क्लीन कर लूँगी। जबकि मैंने अभी आपको कहा है 9:30 बजे से लगी हूँ मैं, और आप देखिएगा सारा काम किस तरह से निपटा के अपने लिए काफ़ी सारा समय मैं बचा लेती हूँ। तो पूरे किचन को मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी, और शाम के यानी कि रात के डिनर तक मैं आपके साथ रहूँगी। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा। हर दिन आपके सामने में इस तरह के ब्लॉग आते रहेंगे, और ये सभी ब्लॉग चैलेंजेज होते हैं कि आप समझ सकते हैं पूरे दिन भर का काम अगर हम आपको 10-11 मिनट में दिखा रहे हैं तो ये एक चैलेंज ही है। और यहाँ देखेंगे 2 मिनट बचा हुआ था और कूड़ा वाला आ गया है, तो मैं कूड़ा देकर आऊँगी। और ये जो मैंने अभी किचन साफ़ किया उस कपड़े को भी लगे हाथ धुलकर मैंने डाल दिया। कूड़ा देकर मैं आऊँगी और हैंड वॉश वगैरह करके मुझे अभी बेडरूम के बेडशीट को भी चेंज करना है, क्योंकि आज बेडशीट भी धोना है और हॉल के बेडशीट को भी चेंज करना है। और इसके बाद जब तक कि कुकर खुलेगा तब तक मैं कपड़े को मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। तो मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और बेडशीट बिछा कर फिर ये जो पीलो कवर सोफ़ा का है मैं सीधे जाऊंगी सोफ़ा वाले रूम में, क्योंकि कल का कुछ कपड़ा था जो कि बालकनी में मैंने डाला हुआ है, और काफ़ी तेज़ आज धूप निकली है तो उस धूप में मैंने रात के भींगे कपड़े को डाला था। उन सारे कपड़े को मैं उठाकर और अभी जो कपड़ा मैं मशीन में डाली हूँ उसको मुझे फिर बालकनी में डालना है धूप में। और आज इतनी तेज़ धूप है मुझे लगता है 1 से 2 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। और अभी तक दूध वाला नहीं आया है, 12 बज रहे हैं। और ये हॉल है, हॉल का जो सिंगल बेड है उसका मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और इस बेडशीट को भी मैं लगे हाथ धुल दूँगी। और जो कपड़ा इधर साफ़ हो गया था उसको मैं ड्रायर में डाल दूँगी, और इसमें मैं बेडशीट दोनों रूम का डाल दूँगी और हैंड वॉश करके सबसे पहले अब मैं चलूँगी किचन, क्योंकि अब भूख लग गई है। और अभी तक किचन में सारे बर्तन इसी तरह पड़े हैं, बस मैंने स्लैब्स को इस तरह साफ़ कर लिया है जो कि आपने देखा। और ये छोले हमने निकाले, इसमें प्याज को काट कर दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी और नींबू काट कर डाल दूँगी। और इतना टेस्टी और स्वादिष्ट ये खाने में लगता है कि एक बार आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो नाश्ता करने के बाद मैं बर्तन धुल लूँगी, तब तक उधर हमारा मशीन में ड्राई भी होगा कपड़ा, बेडशीट भी धुल लेगा क्योंकि उसमें समय लगता है एक टाइम फिक्स करके, उसमें भी मैं छोड़ देती हूँ जिस तरह इंडक्शन में छोड़ देती हूँ। और सारे बर्तन को धुल कर अभी लगभग 10:15 बज रहे हैं और 10:30-10:30 के आसपास अभी मैंने सारा बर्तन धुल लिया है। उसके बाद 10 मिनट मैं रेस्ट करके फिर मैं जाऊंगी कपड़े को बालकनी में डालने के लिए। तो कितना मतलब अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो दिन भर में कभी काम ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसी में समय निकालना पड़ता है हम लोगों को। ये देखिए दूध वाला इतना जल गया है कि कभी कभी मन होता है कि इसको रख देती हूँ, मैं बाद में साफ़ करूँगी, लेकिन थोड़ा सा अगर हिम्मत बना लीजिएगा तो उसी समय सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और ये इससे चूँकि इसका जो बेस है इंडक्शन बेस है, इसलिए ये धुलना मेरे लिए ज़रूरी होता है। इसी में मैं दूध गर्म कर लेती हूँ,
हालांकि टोपिया वगैरह भी है तो गैस पर चढ़ाती हूँ तो उससे उफनने का डर रहता है, कम करके रखना पड़ता है। फिर हवा आई तो खिड़की से हवा आने के बाद गैस कभी कभी बंद भी हो जाता है, इसीलिए मैं इंडक्शन पर ही डाल देती हूँ। और सारे बर्तन को धुलने के बाद अब मैं जो कपड़ा मेरा ड्राई हो गया है उसको मैं निकाल लूँगी, और जो दोनों बेडशीट इसमें मैंने धुल लिया था आराम से उसको मैं ड्रायर में डाल दूँगी, और उसके बाद सारे कपड़े को मैं बालकनी में सूखने दे दूँगी। लेकिन अभी बालकनी का आपको देख रहे हैं वीडियो साफ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ये जो कैमरा अगर आप रोशनी की तरफ रखेंगे तो इसी तरह से आपका ब्लरी टाइप का आता है वीडियो। तो काफ़ी धूप है बालकनी में, काफ़ी तेज़ धूप है, तो मैं कपड़ा यहाँ पर डाल रही हूँ, और कपड़ा डालते डालते ही दूध वाला आ गया। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, मुझे नीचे जाकर दूध लाना होता है, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ दूध लाने के लिए। और दूध के लिए मैं मेन गेट पर एक थैला मैंने रख दिया है, उसी में वो दूध डाल देता है। फिर मैं उसको वहाँ से अंदर लाकर जो भी है, चाहे हैंड वाश हो या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर से, उसको मैं 10 मिनट तक, बिल्कुल 10 मिनट तक मैं धुलती हूँ। कहा जाता है 20 सेकेंड, लेकिन मन में एक डर सा बना रहता है। और उसके बाद अब जब मैं किचन आई हूँ 11 बजे के आसपास, जो कि पहले से मैंने बर्तन धुल के रखा था, तो मैं दूध चढ़ाऊँगी और लगे हाथ सारे बर्तन को मैं लगा दूँगी, क्योंकि अब उस समय आप समझ सकते हैं बर्तन धोकर मैं बाहर निकली थी, कपड़े वपड़े बालकनी में डालें। लेकिन जब मैं दोबारा किचन आई हूँ तो फिर से किचन का एक काम और निपटा दूँगी, और इतना काम करते करते प्यास भी लग गई है, तो सारे बर्तन को मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और हमने दूध को भी एक समय फिक्स करके डाल दिया है। अब जो हम किचन आएंगे वो अपने बच्चे को बॉर्नविटा वगैरह देने ही आएंगे, क्योंकि उसने भी खाना खा लिया है। तो एक प्लेट वगैरह, एक प्लेट, एक ग्लास, एक चम्मच अभी भी सिंक में है, उसको मैं धुल लूँगी और पूरे स्लैब्स को फिर से एक बार पोंछ लूँगी। तो ये देखेंगे, ये प्लेट है जो कि मैंने अभी बाबू को खाना खिलाया था। अब एक 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद ही मैं किचन आऊँगी बाबू को बॉर्नविटा देने, और अब मिलते हैं आपसे 3 बजे। और ये बज रहा है, 3 हो गया है, 3 बजे। और ये जो आप शर्ट पेंट वगैरह देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो आए थे दोपहर में खाना खाने, तो जितनी बार आते हैं उनको नहाना होता है, तो उन्होंने ये डाला था, तो जो भींगा है उसको मैंने छोड़ दिया, और जो सूखा है सारे कपड़े को मैं उठा लूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं बाल्टी, डस्टबिन, ये सब चीज़ को मैंने आज धुला था, तो ये सब मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, काफ़ी बड़ा हो जाता वीडियो। तो ये जो आप ब्लू कलर का बाल्टी देख रहे हैं, जब ये दोपहर में खाना खाने आए थे तो उस समय कुछ टमाटर परवल वगैरह लाए थे, तो मैं इसमें धुल लूँगी, और आज मैं बालकनी में ही धुलूँगी, क्योंकि मेरा बाबू अभी तो सो रहा है, लेकिन जब जगेगा तो छूने उने का डर रहता है। और बालकनी में रख के मैं गेट लगा देती हूँ। डस्टबिन भी सूख गया है, मैं साइड में रख लूँगी, और सब्जी को मैं इस बाल्टी में डाल दूँगी, जो परवल टमाटर जो भी है, और उसके बाद इसमें सब्जी छोड़कर मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। लगभग अब समय 3:30 हो गया है, और मैं सारे कपड़े को मोड़ कर, तब तक 4 बज जाएंगे, और फिर मेरा सीरियल शुरू हो जाएगा पवित्र रिश्ता। और उसके बीच में भी मैं उठ उठ कर काम करते रहती हूँ, क्योंकि 5-5 मिनट का ऐड आता है। तो कपड़ा समेटने के बाद बेडशीट वगैरह एक साइड रख लूँगी, अपना सारा कपड़ा मैं अलग रखूँगी समेट कर, और अपने हस्बैंड का अलग रखूँगी। जो आयरन करने वाला होता है उसको टब में रखती हूँ, सीरियल देखने के दौरान ही आयरन कर लेती हूँ कुछ कपड़े में। और बाबू का कपड़ा मैं मोड़ कर अभी साइड में रखूँगी सोफ़ा पर, और सारे कपड़े को जो डेली वियर हैं उसको गोदरेज में रख लूँगी। तो सारा कपड़ा यहाँ पर मेरा फोल्ड हो गया, और मैं बाबू का कपड़ा लेकर जा रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन, और अभी समय हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8। मैं बनाने जा रही हूँ पनीर, जो कि है आप देख रहे हैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने मूंगफली लिया है, इसको देने से आपका ग्रेवी बहुत अच्छा तैयार होता है। और कसौटी ज़िंदगी की सीरियल भी ख़त्म हो गया है, 8 बज रहे हैं, तो मैंने इंडक्शन में थोड़ा सा मूंगफली को फ्राई कर लिया। और ये जो पनीर है, दूध फट गया था मेरा कल, तो मैंने घर में ही इस पनीर को बनाया था, तो बस हल्का मैं इसको फ्राई कर लूँगी पनीर को। मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ, आप लोग सबको पता ही होगा अलग अलग तरीके से पनीर बनते हैं। तो इसको मैं निकाल कर और जो मैंने पेस्ट तैयार किया है इसमें डाल दूँगी, और ये जो मसाला पकेगा जब तक इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, टमाटर प्याज और कुछ जो सूखे मसाले होते हैं उसको मैं कटोरी में डालकर पानी में डाल दूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला। और ये जो धनिया पाउडर मैंने कहा, ये मेरे घर का पाउडर है, ससुर साहब मेरे लाते हैं, तो उसमें सारा इन्ग्रीडियंट्स, जीरा, मरीच, सब कुछ उसमें मिला रहता है, दालचीनी, इलायची, तो वो काफ़ी टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है मसाला। जब तक हमारा मसाला पकेगा, ये जो शाम के नाश्ता का आप देख रहे हैं बर्तन,
जो शाम में चाय वगैरह हुआ था, नाश्ता हुआ था 5-6 बजे के आसपास, उसका बर्तन रखा हुआ था। मैं किचन आई ही नहीं थी। मैंने सोचा था अब जब मैं इसी तरह करती हूँ, जब खाना उधर पकाती हूँ तब तक मैं छोटे छोटे काम को निपटा देती हूँ। तो इधर मैंने सारा बर्तन भी धुल लिया। अब मैं कचौड़ी का आटा लगा कर रख दूँगी, जब वो खाएँगे तो मैं तल दूँगी। और यहाँ पर मेरा ये मसाला पक गया है। अब मैंने इस सूखे मसाले को भी डाल दिया, और इसको एक बार पकने के बाद मैं रस डाल दूँगी और इसमें पनीर डाल दूँगी। और उसके बाद आप देखेंगे मेरा पूरा किचन अभी साफ़ है, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अभी का जो खाने का बर्तन होगा उसको भी 2 मिनट में धुल लूँगी और रात का पूरा काम कंप्लीट। तो आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह मैं सुबह से शाम तक आपके साथ लगातार बनी रही। सुबह के 9:30 बजे से रात के 8 बजे तक मैं आपके साथ बनी रही। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे अपने एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। और एक 3-4 मिनट इसको पकाने के बाद अब मैं आपको पूरा किचन दिखा देती हूँ किस तरह से मेरा किचन है अभी। तो बस आटा जो मिलाया है वो रखा है, इधर दूध रखा है, इधर मैंने अपना गर्म पानी किया है पीने के लिए, और इधर जो सब्जी बालकनी में था उसको मैंने एक पानी से और भी धुल दिया है। और इस तरह मेरा सारा काम कंप्लीट है। तो आपने देख लिया किस तरह और कितना समय मैंने निकाला। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।